अंजड़, कपास की कम भाव मिलने से परेशान किसानों के लिए राहत। जल्द मंडी में सीसीआई द्वारा कपास खरीदी का दिया गया आश्वासन। अंजड़ कृषि मंडी में सीसीआई के अधिकारियों द्वारा कपास में अधिक नमी का हवाला देकर खरीदी से मना कर दिया गया था, लेकिन मंडी में कम भाव मिलने से परेशान किसानों द्वारा लगातार मांग करने के बाद सीसीआई द्वारा मंडी में अधिकारी भेजने और 12% से ज्यादा नमी होने पर किसानों द्वारा भाव में उचित कटौती करने की बात कहने पर अब सीसीआई के उप महाप्रबंधक अर्जुन एस दवे का कहना है कि हमने अधिकारियों को किसानों की बात से अवगत करा दिया गया है और नमी अधिक होने पर कटौती का प्रपोजल भी भेज दिया है और जल्द सीसीआई द्वारा खरीदी शुरू की जा सकती है। दिनांक को जब मैं आया तो हमको कुल 3 व्हीकल मिले थे, तो इनका जो प्रस्ताव है वो ये है मुख्यतः रूप से कि मॉइस्चर की चेकिंग ना हो, और मॉइस्चर की चेकिंग हो और मॉइस्चर अगर ज़्यादा हो उसकी अप्रोप्रिएट कटौती करके फिर खरीदी की जाए। इस प्रस्ताव को हमने रिकॉर्ड कर लिया है और हम इसको आला अधिकारी के ऊपर भेजेंगे कि 12% के ऊपर भी अगर मॉइस्चर कंडीशंस आती है तो उस मॉइस्चर परसेंटेज के हिसाब से उचित कटौती करके किसानों से खरीदी करना सुनिश्चित करें। इस प्रकार का जो प्रस्ताव है ये हम हमारे मुख्यालय को भेज रहे हैं। सर कब तक हो जाएगा? अभी हमने ये सब रिकॉर्ड किया है, अभी 1-2 दिन का समय हमने मांगा है। हम ये पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरा रिपोर्ट पूरा बना के हम हमारे आला अधिकारी को भेजेंगे, तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय आ जाए। निवाली, युवक हुआ ऑनलाइन ठगी का शिकार। एमआई का स्मार्टफोन कम कीमत पर देने का झांसा देकर पैसे वसूलने के बाद भेजा सादा मोबाइल फोन। निवाली के फारूक शेख नामक युवक को उसके मोबाइल पर एक फोन आया और उसे बताया गया कि उसके लिए ऑफर है और उसे एमआई का प्रो मॉडल का मोबाइल जिसकी कीमत 10,000 है 4,000 में दिया जा रहा है, पैसे उसे डिलीवरी से पहले देना होंगे। युवक द्वारा डाकघर में मोबाइल आने पर पहले 4,000 रूपए जमा करा दिए गए और जब पार्सल को खोला तो उसमें एमआई के मोबाइल के स्थान पर सादा मोबाइल फोन निकला। युवक द्वारा पार्सल खोलने का वीडियो भी बनाया गया है और उक्त संबंध में निवाली थाने पर शिकायत दर्ज कराई है। लगातार देखने में आ रहा है कि लोग कम कीमत में ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर ठगी का शिकार हो रहे हैं, इसलिए लोकतंत्र न्यूज आपसे निवेदन करता है कि ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सावधानी जरूर बरतें। हमारे साथ ये घटना हुई है जी कि मैंने एमआई 6 प्रो बुलाया था मोबाइल, तो ये निकला मेरे साथ उसके अंदर ऑनलाइन बुक करा। कितने पैसे जमा करा? 4,000 जमा करे थे। आपका क्या था? मैं थाने पे कार्रवाई करना चाहता। धनोरा, विश्व मधुमेह एवं बाल दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरोगी काया अभियान के तहत शासकीय स्कूल मेहतगांव में रैली चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर श्वेता शर्मा ने बच्चों को मधुमेह रोग के संबंध में जानकारी देकर इससे बचाव के उपाय बताए। बाल दिवस के अवसर पर बच्चों को मेडिकल ऑफिसर द्वारा बॉल पेन भेंट की गई। इस दौरान सेक्टर सुपरवाइजर संजय कौशल, ANM इंदुमती चौहान, नजमा बानो सहित स्कूल स्टाफ मौजूद था। सेंधवा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लखन नगर स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में बाल दिवस पर बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चे शामिल हुए। बाल मेले में बच्चों की चेयर रेस प्रतियोगिता के साथ ड्राइंग पेंटिंग के साथ फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आंगनवाड़ी में छोटे छोटे बच्चे चाचा नेहरू, कृष्ण, राधा सहित अलग अलग वेशभूषा में शामिल हुए। सभी बच्चों को चॉकलेट्स, केले के साथ पूरक पोषण आहार का वितरण किया गया। कार्यक्रम में पर्यवेक्षक दीपाली सोनी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने आयोजित किया, जिसमें शहर के सभी वार्ड के बच्चे और उनकी माताएं शामिल हुई। आज बाल दिवस 14 नवंबर के उपलक्ष्य में परियोजना स्तरीय बाल मेला आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बाल रंग मेले के आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें पेंटिंग प्रतियोगिता, बच्चों की चेयर रेस की गई और साथ ही फैंसी ड्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चे जो है विभिन्न तरह की वेशभूषाओं के रूप में आए और महिलाओं के साथ ही बच्चों का भी उत्साहवर्धन हुआ और काफ़ी सभी को बहुत मजा आया।